नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार झारखंड की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। 1981 वो साल था जब भारत में ट्रेन में चढ़ते ही मौत लोगों का पीछा करने लगी थी। जनवरी से सितंबर के बीच 8 महीनों में ही 526 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके थे। रेल मंत्री केदारनाथ पांडे की जान संसद में फंसी हुई थी। खचाखच भरी 416 डाउन ट्रेन 6 जून को नदी में समा गई। ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई बतिया रहा था, कोई मूंगफली खा रहा था, कोई रोते बच्चों को शांत करा रहा था। इसी वक्त ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रेन फिसली, पुल तोड़कर लबालब भरी बागमती नदी में जलविहीन हो गई। कहा यही गया कि भैंसों को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई और हजारों लोगों की जान चली गई। ये थी भारत की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना और दुनिया की दूसरी बड़ी ट्रेन दुर्घटना। जी हाँ, 6 जून का दिन था और 1981 में मानसी से सहरसा की तरफ बागमती नदी के पुल पर ट्रेन दौड़ रही थी। मानसून की बारिश हो रही थी, पटरियों पे फिसलन थी। 9 डिब्बे ट्रेन की, जिसमें हजारों लोग सफ़र कर रहे थे, अचानक ब्रेक मारा जाता है, जिसमें से 7 डिब्बे पुल तोड़ते हुए नदी में समा गए। आंकड़ों के मुताबिक 500 लोग ही ट्रेन में थे, लेकिन बाद में रेलवे के 2 अधिकारियों ने बताया मरने वालों की संख्या 1000 से 3000 के बीच हो सकती है। सहरसा रूट में आमतौर पर 3 से 4 गुना लोग ट्रेनों में सफर करते हैं जितनी टिकट बिकती है। लगभग 300 लाशें ही निकाली जा सकी थी उस समय। गोताखोरों को पैसे देने की भी बात हुई, पर गोताखोर लाशों को निकालने के लिए पैसे लेने से ही इनकार कर दिए। भारत की सबसे दर्दनाक दुखद ट्रेन दुर्घटना थी ये। आइए जानते हैं कौन था रेल एक्सीडेंट दुनिया में सबसे बड़ा। दुनिया में सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट श्रीलंका में हुआ, जो 2004 की थी। सुनामी में ओशियन एक्सप्रेस को बहा ले गई। 2004 की सुनामी में श्रीलंका में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस को लहरों ने समंदर में खींच लिया था, जिसमें 1700 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार झारखंड की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सार्वजनिक जगहों पे दूसरों का भी ख्याल रखें। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें।